गाइस एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। फिर जासूस रियाज स्कूल पहुंचता है और सभी स्टाफ से पूछताछ करता है। सबसे पहले प्रिंसिपल आता है और प्रिंसिपल बोलता है, मैं अपने कार्यालय में बैठ के काम कर रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि भाई मेरे स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो गई है। अब जासूस रियाज जो होता है अगला बंदा पकड़ता है, जो कि वो टीचर होता है। अब टीचर बोलती है, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्यान्ह एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिका की जाँच कर रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर जासूस रियाज मेल बॉय से कांटेक्ट करता है कि मेल बॉय क्या आप इसके बारे में जानते हो, तो मेल बॉय बोलता है, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो कहानी इतना ज़्यादा अटपटा हो चुका है। अब गाइस जो बंदे ने हत्या की है वो कौन बंदा है। अब गाइस उसके बाद जो है जमादार से भी रियाज पूछता है, तो जमादार बोलता है, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि भाई कौन आखिर में जिम्मेदार है, प्रिंसिपल, टीचर, मेल बॉय या जमादार? तो दोस्तों मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड के अंदर ही आप बताइए। गाइस अगर आपको यार पता चल गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पता नहीं चला तो चलिए मैं आपको कुछ बता दूं कि भाई उसका जिम्मेदार जो है टीचर है, क्योंकि टीचर इसलिए है दोस्तों, चलो इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। गाइस अगर कुछ पहले की बात बताऊँ तो टीचर क्या बोल रही थी कि मैं एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको चेक कर रही थी, बट दोस्तों पहले दिन ही कौन सा पेपर होता है, इसलिए दोस्तों रियाज ने पकड़ लिया कि जो इसका जिम्मेदार है वो टीचर है। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए गाइस आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल भी। ओके चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।